कि उन्होंने बंगाल की धरती पर उत्तर प्रदेश वासियों का कितना अपमान किया। ममता जी ने बंगाल में चुनाव में कहा था कि उत्तर प्रदेश के वासियों के साथ उनको एतराज है, उत्तर प्रदेश के नागरिकों पर अराजकता का आरोप बढ़ा था। उत्तर प्रदेश वासी जो भगवाधारी हो, जो तिलक लगाते हो या बनारस का पान चाहते हो, उनको उनके सभ्यता, उनके संस्कार, उनके खान पान के लिए सरेआम जलील किया। आज मैं अखिलेश जी से पूछना चाहती हूँ, ऐसी क्या नौबत आ गई कि आज उनके साथ को आप चाहते हैं, उनका समर्थन चाहते हैं, जो इस प्रदेश के गौरवशाली इतिहास को भूलकर प्रदेश के नागरिकों का सरेआम अपमान करते हैं। ऐसी क्या मजबूरी है कि अखिलेश को अब ममता जरूरी है? लेकिन इस बात का संकेत निश्चित रूप से अखिलेश जी दे रहे हैं कि अपने दम पर वो जनता का साथ नहीं पा रहे हैं। और जनता क्यों सपा के साथ नहीं? ये चुनाव मात्र जेवर एयरपोर्ट का चुनाव नहीं, ये चुनाव मात्र टेक्सटाइल पार्क का चुनाव नहीं, ये चुनाव हर उस बेटी का है जो जलील की जाती थी सपा के राज में। ये चुनाव हर मां का है जो डर में जीती थी सपा के राज में। ये चुनाव पश्चिम उत्तर प्रदेश के उस भाई का भी है जो अपने बहन के संरक्षण के लिए आगे बढ़ा और उसको मौत के घाट उतार दिया सपा की सरकार ने। इसलिए आज आप सभी प्रतिष्ठित नागरिकों से कहने आई हूं, ये वोट मात्र धीरेन्द्र सिंह का, भारतीय जनता पार्टी का वोट नहीं है। ये वोट उस मां के पक्ष में है जिसके जवान बेटे की अर्थी उठी मात्र इसलिए क्योंकि वो अपनी बहन की इज्जत बचाना चाहता था। जय श्री राम का जय घोष देते हो भाई। अखिलेश जी के साथ जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने ममता जी आ रही हैं, वो अपने राज में उन लोगों को भी जेल में बंद कर देती हैं जो राम का नाम लेते हैं। लेकिन देखिए प्रभु की लीला, एक तरफ इस चुनाव में वो राम भक्त हैं जो राम मंदिर का निर्माण सुप्रीम कोर्ट का सम्मान करते हुए बनाते हैं, और दूसरी ओर अखिलेश जी ममता जी संग आते हैं। एक वो ममता दीदी जो राम भक्तों को राम का नाम लेने के लिए जेल भेजती है, और दूसरे वो अखिलेश जिनकी पार्टी राम भक्तों पर गोलियां चलाती है। इस बात का आक्रोश वर्षों से उत्तर प्रदेश के नागरिकों के मन में है कि सपा के नेताओं से जब एक पत्रकार ने पूछा कि राम भक्तों पर गोली क्यों चलवाई, तो सपा के उस नेता ने कहा जरूरत पड़ती तो और भी मारते। इसलिए आज आपसे कहना चाहती हूं, ये वोट मात्र धीरेन्द्र सिंह भारतीय जनता पार्टी का वोट नहीं है, ये वोट हर उस राम भक्त का है जो अपमानित हुआ मात्र राम का नाम लेने के लिए।